इस किताब का नाम है द फ्री वॉइस। भारत में अभयारण्य हैं, आप जानते हैं, अभयारण्य या संरक्षित जगह हैं जहां शेरों को, बाघों को, काले हिरण को रखा जाता है क्योंकि वे दुर्लभ हैं और नहीं मिलते हैं। तो फ्री वॉइस भी एक दुर्लभ प्रजाति में जा रही है, लेकिन इसके लिए अभयारण्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए जनतंत्र को और भी ज़्यादा विस्तृत करने की ज़रूरत है, तभी ये बच सकता है। तो और जैसा रवि सिंह ने अपने आरंभिक वक्तव्य में और रवीश की किताब से उद्धरण पढ़ के बतलाया कि यह काम पांचवें साल नहीं होता है, हर पांचवें साल नहीं होता है, यह काम हर घंटे करना पड़ता है, हर वक्त करना पड़ता है। बर्तोल ब्रेख्त की जो कविता है इंसाफ को लेकर, जिसमें वह कहते हैं कि जैसे रोटी ज़रूरी है वैसे ही इंसाफ ज़रूरी है मेरे लिए, उसमें इंसाफ की जगह आप जनतंत्र भी रख सकते हैं और आप स्वतंत्र मत को भी रख सकते हैं। यानी यह नहीं है कि स्वतंत्र मत या जनतंत्र जब अवसर होगा, जब सुविधा होगी, जब सहूलियत होगी, तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे और तब तक हम खुद को बचा लें। क्योंकि एक ख्याल यह है कि हमें इस दौर में खुद को बचा लेना चाहिए ताकि जब जनतंत्र इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो हम जिंदा रहें। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर आपने खुद को बचाने के लिए जनतंत्र को स्थगित किया या स्वतंत्र आवाज़ को स्थगित किया तो ना जनतंत्र आएगा ना आप रहेंगे। स्वतंत्र आवाज़ की बात तो अलग की चीज़ है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यह काम करना कुछ लोगों का पेशा है और बाकी लोग उनसे चाहते हैं कि वे उनकी तरफ से ये काम करें, तो ये कहा जाता है कि आप तो साहब बहुत बहादुर हैं, आप वीर हैं और आप बोल लेते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा कहना यह है और हम सब का कहना यह है और मेरे ख्याल में रवीश अपनी इस किताब में यही कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि और कोई नहीं हो सकता आपके अलावा। आपको अपनी आवाज़ तो खुद ही उठानी पड़ेगी, कुछ लोगों के कंधे पर इस काम को डाल नहीं देना होगा। और जब तक बहुत सारी स्वतंत्र आवाज़ें नहीं होंगी, किसी एक वीरतापूर्ण स्वतंत्र आवाज़ का बचे रहना संभव नहीं है। इसलिए हम व्यक्तिगत वीरता, व्यक्तिगत बहादुरी इसकी अपेक्षा ना करें, हम शहीद ना खोजें, क्योंकि हमें शहादत नहीं चाहिए, हमें जिंदा लोग चाहिए और जिंदा लोग, बोलते हुए लोग चाहिए जिससे ये जनतंत्र जिंदा रहे। तो हम स्पीकिंग टाइगर का इसीलिए शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि हिंदी जब अंग्रेज़ी में आती है तो दिखलाई पड़ती है। बहुत पहले हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक, और उनको मैं हिंदी का क्यों कह रहा हूँ, भारत के और दुनिया के बहुत बड़े लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा था कि हिंदी में लिखना ही जोखिम का काम है, क्योंकि हिंदी में लिखने का मतलब है गुम हो जाना। और ऐसा जोखिम अज्ञेय ने उठाया, अज्ञेय जैसे बहुत सारे लोगों ने उठाया, यह जानते हुए कि अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो जो भारत का बौद्धिक समुदाय है उसमें आप गुम हो जाएंगे। और इसलिए भी आज एक प्रकार का आनंद मिल रहा है क्योंकि
अनुवाद की जो दिशा है वह अक्सर अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं की तरफ जाती है, लेकिन अब, और इसीलिए जनतंत्र को लेकर विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि उसमें रवि सिंह जैसे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, कि अब भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी की तरफ दिशा बढ़ रही है। तो ये कोई भारतीय भाषाओं को होने वाला फ़ायदा नहीं है, हम ये मानते हैं कि यह अंग्रेज़ी को मिलने वाला फ़ायदा है, और इसलिए हम अंग्रेज़ी को बधाई देते हैं कि उसका जो ख़जाना है उसमें इजाफा हुआ है और एक और किताब अंग्रेज़ी को मिली है, और इसके लिए अंग्रेज़ी पढ़ने वालों को रवि सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वह चीज़ जो वे हो सकता है अंग्रेज़ी के बिना नहीं पढ़ सकते वे अब पढ़ पाएंगे। तो खैर, शुक्रिया अदा करने का, बधाइयों का सिलसिला अब ख़त्म होता है। रवीश, इस किताब में जो व्याख्यान या लेख संकलित हैं उनमें एक थीम है जो लगातार चलती है, या ये कह सकते हैं कि एक सूत्र है जो इनको बांधता है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष एक तरह से भय या डर के गणतंत्र में बदला जा रहा है। आप इसकी व्याख्या करेंगे, यह डर का गणतंत्र क्या है या भय का गणतंत्र क्या है? इज इट रिपब्लिक ऑफ फेयर? देखिए, हम सबको बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी आपका, अनुराग आपका, रवि आपका। जब मैं अंग्रेज़ी में आ रहा हूँ तो मेरे साथ पूर्वोत्तर से कोई है, कोई दक्षिण से है, कोई हिमाचल से है, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग चाहते थे कि जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्या है। अक्सर जब भी चेन्नई गया तो लोग पूछते थे कि कुछ तो होना चाहिए, टाइटल सुपर होना चाहिए जिससे हम समझ सकें, तो शायद उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिलेगा। लेकिन 2014 को याद कीजिए आप लोग कि क्या हो रहा था उस वक्त का भारत, अपने पहले की या उस वक्त की मौजूद जो जड़ताएं थीं उससे निकलने का प्रयास कर रहा था, और कई तरह के आंदोलन जिसके बारे में वो खुद स्पष्ट नहीं था, बहुत क्लियर नहीं था कि इन आंदोलनों की दिशा क्या हो सकती है, इसका भविष्य क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन फिर भी वो उन आंदोलनों में जा रहा था और अपने आप को लिबरेट कर रहा था। हम सब उसे बयान करने के प्रक्रिया में, उसको एक्सप्रेस करने की प्रक्रिया में, उसकी रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में उसके हिस्सेदार भी बनते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन एक शख्स उठता है जो विकल्प बनने का प्रयास करता है और 2014 के आकाश में छा जाता है और उसे जनमत मिलता है। वो पूरा जो जनमत था एक रिबेल का जनमत था पिछले 10 साल के एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और बहुत तेज़ी से, जिसमें हमें पता नहीं चला कि उस रिबेल के मैंडेट को फियर के मैंडेट में बदल दिया। पहले ही महीने से बताया जाने लगा कि आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि किसी का अवतार हुआ है, आप सोहर गाइए, ललना का पलना झुलाइए, आलोचना नहीं कर सकते हैं उनकी। और ऐसी ऐसी शर्तें बताई गईं कि हुजूर के अतीत की तरफ उंगली उठाने पर ये पूछा गया कि आप 47 के पहले कहाँ थे। मुझे इस प्रक्रिया से भी दिक्कत नहीं थी, मुझे लगा कि शायद कोई पुराना गिला शिकवा है जो निकल रहा है, लेकिन एक पूरा सिस्टम तैयार था उस रिबेल के मैंडेट को पुश करने के लिए, डर में बदलने के लिए। हमला होता है, वो आदमी जो खुद को प्रधान सेवक कहकर हम सब के बीच में आता है, शुरुआत होती है योजना आयोग के भंग कर देने से, और बताया जाता है कि एक नई लेगेसी की बुनियाद रखी जाती है। इसी दौरान मैं तीन मूर्ति जाता हूँ, प्रोफेसर सलील मिश्रा के साथ मैं शूट कर रहा था कि क्या है नेहरू की लेगेसी, थोड़ा नए दर्शकों को बताते हैं अगर इतनी दिलचस्पी है तो। तो वहाँ पर एक तख्ती मिली और तख्ती पर लिखा था, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं प्रथम सेवक कहें, ये नेहरू का वाक्य है। ये कांग्रेस के लोगों को भी पता नहीं था, ये नेहरू ने कहा
और इस वाक्य को किसी ने, जिसे अंग्रेजी में प्लेजरिज्म कहते हैं, चुरा लिया और प्रथम की जगह प्रधान कहा। वाक्य चुराया आपने नेहरू का और हमला कर रहे हैं नेहरू की विरासत पर। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को देखकर मैं बड़ा बेचैन हो गया। मुझे लगा कि ये झूठ के सहारे जिसकी शुरुआत हो रही है, प्रधान सेवक कहना ही भारत के राजनीति में एक बड़े झूठ का प्रवेश था, क्योंकि वो कथन पहली बार नहीं कहा जा रहा था, वो कथन कोई कह के इस दुनिया से बहुत पहले जा चुका था। तो मैं इन चीज़ों को समझने लगा कि आखिर क्या वो तत्व हैं जिससे डराया जा रहा है। बोलना मना है इनके खिलाफ़, इनको क्वेश्चन करना मना है। एक बात समझ में आती थी कि नए हैं तो इन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए अपूर्वानंद जी कि किस तरह से, जिस पेशे से मैं आता हूँ, वो उनके आसपास उनके कदमों में झुकने लगता है और हर तरह की एक ऑटोमेटिक भीड़ तैयार मिली, जिसके बारे में हमें कोई अंदेशा अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी भीड़ हमारे आसपास है और लोग सेल्फ ऑटोमेटिक तरीके से ट्रिगर होकर जहाँ तहाँ अटैक करने लगे। जो मारा गया वो मर गया, लेकिन बहुत से लोग इन हमलों को झेल नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन मैं तब भी कह रहा था कि ये नॉर्मल है, लेकिन जब मैं ट्विटर पे था तो बहुत लोग ये इशारा करते थे कि आप सिख हैं, आप इमोशनल हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे उस दुनिया से संवाद करते करते मैं थक गया, अंत में ट्विटर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो आदमी झूठ के रथ पे सवार होकर आया है वो बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान के आकाश को झूठ के धूल से भर देगा, और इतना भर देगा कि अब आप उस धूल से बचने के लिए चाहे जितना महंगा धूप चश्मा लगा लें, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इतना धुंध है आपकी आँखों के सामने। और ये बात मैं किसी के विरोधी होने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, हालांकि ये बात कहने की प्रक्रिया उनका विरोधी होना ही है, तो मुझे इसमें भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक पत्रकार का बहिष्कार करे, मैं एक साल तक कुछ नहीं बोला, मैं देखा ये कितने दूर तक कर सकते हैं। मुझे लगा अच्छा 1.5 साल देख लेता हूँ, 2 साल करता हूँ, मैंने कहा ठीक है, इतिहास इसे ऐसे लिखेगा कि इन लोगों ने उस दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान, जिस रास्ते पे है, जिन्होंने गरीबी की सेवा की बात की थी, उसी सड़क पे उनके नाम पे गरीबी दूर करने वाली पार्टी का एक मुख्यालय बना है, 5-स्टार मुख्यालय। और प्रोसेस देखिए कहाँ पर पहुँचा है कि पहले सवाल करने वालों को आइसोलेट किया गया, डराया गया, और अब उस पार्टी के लिए जीने मरने वाले मधुबनी, मोतिहारी, नीमच, सीकर में जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वही वंचित हैं इस सुख से कि वो दफ्तर कैसा है। गरीबों की सेवा करने वाली पार्टी का जो दफ्तर है वो इनकम टैक्स में जो पैसा जमा किया गया है उससे ज़्यादा की रकम का है या कम की रकम का है, 1300 करोड़ का है कि 2600 करोड़ का है कि 400 करोड़ का है। ये बात वहाँ जाने वाले कई पत्रकार वहाँ गए, लेकिन लौट के किसी ने नहीं बताया। तो जो कार्यकर्ता थे और जो समर्थक पत्रकार, जिन्हें मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, अंग्रेज़ी में से आप एम्बेडेड कह सकते हैं, उन लोगों ने भी वो तस्वीर नहीं बताई, अंदर का हाल नहीं बताया। तो अंत में ये प्रक्रिया देखिए कि जिस झूठ से शुरू हुई थी प्रक्रिया, वो इनके समर्थकों को ही इतना कमज़ोर कर गई कि उनकी आँखें कितनी तरस रही होंगी, हम भी तो देखें वो दफ्तर अंदर से कैसा है, जहाँ अध्यक्ष जी बैठते हैं वो कैसा है। मान लीजिए स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तो विलासिता हो सकती है। तो हम इस हद तक, डर की इस सीमा तक पहुंच गए हैं कि एक मुख्यालय के अंदर की स्थिति भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने एक आदमी का शौक पूरा करने के लिए इतना कुछ गंवा दिया, और ताकि इतना कुछ हमें मिले जो हमने गंवाया है, वो हमें मिले इसके लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग 100 साल लड़े हैं, न जाने कितने फांसी पर चढ़े और कितने सेलुलर में तड़प के मर गए, और कितना भागते हुए सेलुलर की यातना से समुद्र में डूब के मर गए। जो माफ़ी मांग के आ गए वो अलग बात है। तो ये जो डर था, आप बैलेंस करो, डर के खिलाफ बोलो तो कहते थे आप बैलेंस करो,
आपने तब नहीं बोला, फिर मुझे लगा कि ये सामान्य बात नहीं है, मैं सिनिक नहीं हूँ और मैं इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अंग्रेज़ी में एक शब्द लोग इस्तेमाल करते थे कि आप बहुत जल्दी परटर्ब्ड हो जाते हैं। मैं परटर्ब्ड नहीं हो रहा था, मैं देख रहा था कि सिस्टम एक जिस पे वो बैठे हैं और जो हमारी सोसाइटी जिससे हम लोग मिलकर सिस्टम बनाते हैं, एक नॉर्म बनाते हैं, इसमें कुछ बदला जा रहा है और बदला इस तरह से जा रहा है, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि अगर आप कुछ कहने के लिए 2019 या उस झूठ को अपनी आंखों से देखने के लिए 2022 या 24 तक जिंदा रहना चाहते हैं, मैं उतना इंतज़ार नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि इसको अभी का अभी सामने का सामने बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आते हैं, वो अच्छी बात है, वो दूसरे टेलीविज़न चैनल में जाकर उनके प्रवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आएंगे वो, या हम गायब हो जाएंगे, हम इतिहास से गायब हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे संपादकों को गायब किया गया है, हम हो जाएंगे। लेकिन क्या आप रवीश कुमार का इतिहास इस हद तक गायब कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और 21 राज्यों में हुकूमत करने वाली पार्टी ने उस पत्रकार का बहिष्कार किया और उस पत्रकार ने पलट के भी नहीं पूछा कब आओगे? तो इतना तो दर्ज करा दिया हूं, बाकी जो किताब लिखी है वो आपके सामने। जो रवीश आप कह रहे हैं कि एक आदमी का शौक पूरा करने के लिए, अगर हम ज़रा सख्ती से खुद को देखें और हम कुछ और पीछे चले जाएं, यानी 2002 के बाद के हिंदुस्तान को देखना शुरू करें, 2002 के बाद मैंने भारत के कई संपादकों को देखा, टीवी एंकर्स को देखा जिन्हें हम इज्जत के साथ अभी भी देखते हैं और जो अखबारों में अभी भी कॉलम लिखते हैं और जो फ्री स्पीच की बात करते हैं और ठीक ही करते हैं, लेकिन मैंने एक छटपटाहट उनमें देखी और वो छटपटाहट ये थी कि वे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पीछे कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं कि मेहरबानी करके 2002 के लिए एक बार आप सॉरी कह दीजिए। मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं और मैंने ऐसे इंटरव्यू पढ़े हैं जिसमें उनको ये सुझाया जा रहा है कि आप एक बार फिर सिर्फ सॉरी कह दें, बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन वह शख्स इतनी भी मेहरबानी नहीं करता है। उसके बाद भी ये कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, और इस आदमी में जो दूसरी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को देखना चाहिए और भारतवर्ष के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह आदमी आया और हमें धोखा देकर चढ़ गया, या दरअसल हमारे भीतर एक ऐसे आदमी को लाने की इच्छा बहुत पहले से दबी हुई थी और हमने उस आदमी को खोज निकाला और उसे हिंदुस्तान के ऊपर बिठा दिया। तो ये हिंदुस्तान के भीतर, और किसी को बुरा न लगे लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुसंख्यकवादी इच्छा भारतवर्ष में थी कि एक ऐसा शख्स आना चाहिए और हमारा शासन इस तरह स्थापित होना चाहिए। तो यह नहीं है कि वो आया और उसने हमारी आंख में धूल झोंक दी, बल्कि हमने उसे खोजा, उसे झाड़ा पोछा, उसकी सफ़ेदी की, रंग रोगन किया और उसे हमने अपना नेता बनाया। उन संपादकों की नज़र से, क्योंकि वो बहुत पहले से अपनी पीठ पर किसी का कैरी बैग लेकर चल रहे थे, उनके लिए ये स्वाभाविक था कि जो आया है इतने मैंडेट से, इतने मैंडेट से, बहुत लोग बहुत बार बहुत राज्यों में आए हैं, कोई नई बात नहीं, जो मैंडेट 1984 का था उससे तो आधा ही था ये, लेकिन उस मैंडेट के आगे वो ढांचा जिस तरह से पीछे से तैयार था और हम एक विकल्पहीन आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे और उसमें संभावनाएँ देख रहे थे बिना उसके विकल्प की पूर्व सूचना के या पूर्व तैयारी के, तो हमें धोखा तो खाना था। मगर धोखा अभी हम खाए नहीं हैं, अभी पूरी तरह से हम खाए नहीं हैं। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने झूठ को भारत की राजनीति में लेजिटिमाइज़ किया है, वो अप्रत्याशित है। राजनेता अपनी प्रवृत्ति में झूठ बोलते हैं, सब कोई बोलता है, इधर उधर बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से झूठ बोलना, इसका श्रेय इनको जाना चाहिए। और झुके हम, हाँ आप
फेक न्यूज़ के जनक वही हैं और कौन है? अगर आप नेहरू का प्रथम सेवक को कॉपी करके उसका वर्ड बदल के प्रधान सेवक कर दें, रिन साबुन की जगह रिम साबुन बेच दें चांदनी चौक में, तो रिम साबुन तो नकल ही कही जाएगी ना। तो वो उन्होंने उस झूठ को लेजिटिमाइज किया पूर्वानंद जी, और हम जो भी पत्रकार लोग थे वो पहले से ही उस हवा में थे, और उनके भीतर एक बहुसंख्यकवादी, पता नहीं उनके भीतर एक नफरत की एक उनके अंदर भी थी, उनको समझ नहीं थी। वो कर तो रहे थे गुजरात के दंगों की रिपोर्टिंग किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और तरीके से, लेकिन उनके भीतर भी एक दमित इच्छा थी कि वो भी उसमें बहने लगे। आज आप किसी भी न्यूज़ रूम में जाकर देखें तो उसका सामाजिक और बौद्धिक चरित्र बदल गया है, डरपोकों की जमात पैदा हो गई है। अब आपको किसी एडिटर को हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेहनत क्यों कर रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो मीडिया के जो लोग थे वो नए नए संबंधों को बनाने में लग गए, उनको लगा कि कोई एक मजबूत नेता आया है और जो चिरकाल तक रहेगा, अवतार है, रहें वो, मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि वही रहें। अगर बिना कुछ किए झूठ बोल के उन्हें रहना है तो आप रहिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सिस्टम पर हमला किया और सब ने चरमरा के धरमरा के नीचे के लिए आए, ये डरावना था। और जिस वक्त ये न्यूज़ रूम ठह रहे थे उसको भीतर से देखना, अपने पेशे के लोगों के बीच बदलते संबंधों के नज़र से देखना भयावह था। अगर इस दौर में भी, उस स्थिति में भी अगर आपकी मानसिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो आप उन्हीं के जैसे हैं, तभी असर नहीं पड़ रहा। अगर आप उनके जैसे नहीं हुए हैं तो आपको पर्टर्ब होना चाहिए, आपको सिनिक भी होना चाहिए, आपको इमोशनल भी होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कि उनकी किसी बात पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। और जब उनकी किसी बात पे क्वेश्चन नहीं कर रहा था तब मुझे लगा कि ये प्रेम भी नहीं है। पहले लोगों ने बताया कि वोटर का नेता से प्रेम है, प्रेम नहीं है। प्रेम में आप शिकायतें करते हैं, कृष्ण और सुदामा का देख लीजिए, उन दोनों की दोस्ती में भी देखिए कितनी उलाहनाएँ हैं, है ना, राधा और कृष्ण में भी देखिए कितनी उलाहनाएँ हैं। लेकिन यहाँ प्रेम नहीं था, भय था। और वो उस डर को सब अपने अपने घर से लंच बॉक्स में लाते थे, न्यूज़ रूम में खोलते थे, एक रोटी भय का आप लीजिए, एक आलू परवल भय के साथ आप खाइए। और हम रोज़ उस डरने को लंच में जाते जाते डिनर में इतना वो डर कंज्यूम कर चुके होते थे कि रात को शो में जाने से पहले हाथ पांव कांप रहे होते थे कि हुजूर कहीं नाराज ना हो जाए। और चूंकि उन्होंने एक भीड़ तैयार कर दी थी जो ऑटोमेटिक, उसको अब कुछ नहीं करना। अब देखिए, अब कहीं भी हिंसा होगी तो किसी हुजूर के कुर्ते पर दाग नहीं आएगा। अगर वो सूट महंगा है तो बदल जाएगा, मगर कुर्ते पर दाग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भीड़ है और इस भीड़ का कोई किसी पार्टी से, उस पार्टी से भी सीधा नाता नहीं है सदस्यों के तौर पे, जिससे हम लोग कभी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो वो भीड़ बन गई और वो चारों तरफ, ये भीड़ पार्क है पूर्वानंद जी, आज भी पार्क है। कई बार लोगों को लगता है कि चीज़ें बदल गई हैं, पर इसकी संभावनाएं और लोग वहाँ से हटे नहीं हैं। वो भीड़ पार्क है, वो कभी भी ऑटोमेटिक रूप से ट्रिगर हो सकती है, आपको हमको किसी को भी मार कर जा सकती है। और हुजूर हैं वो बोल भी नहीं सकते हैं, बोलेंगे भी नहीं। हाँ, वो भीड़ तैयार है आप कह रहे हैं, और मैं इस बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। वो ये कि दरअसल भारतवर्ष के बारे में हमें बहुत फ़ख्र था कि हमने एक ऐसा मुल्क बनाया है जिसमें अगर आप जनसंख्या के 2% भी हैं तो भी आपको दब के रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सर उठा के चल सकते हैं। और ये बड़ी शान की बात है, एक ऐसा मुल्क हमने बनाया है। लेकिन यह दिखलाई पड़ा कि 70 सालों में दरअसल इसको लेकर एक कॉम्प्लेक्स था, एक कुंठा थी। और यह बहुत मज़ेदार है कि यह कुंठा ये थी कि हम इतने दिन तक धर्मनिरपेक्ष रह गए। कैसे धर्मनिरपेक्ष रह गए और क्यों नहीं हम बहुसंख्यकवादी बने? और 2014 में जो परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन यह था कि पहली बार भारत की सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी को यह बतलाया गया कि भारत का कारोबार राज्य का
तुम्हारे बिना चल सकता है, तुम्हारे चिंताओं के बिना चल सकता है, तुम्हारी आशंकाओं के बिना चल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की संवेदना में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई, और दो तरह की संवेदनाएं। इसलिए रवीश को, मैं रवीश सिर्फ एक प्रतीक के रूप में कह रहा हूं, रवीश को चाहने वालों के बारे में बतलाया जा सकता है कि वो इस दरार के किस तरफ हैं, और दूसरे जिन्हें मौका मिले तो वो खून कर दें, वो किस तरफ हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हम शुरू से ऐसे थे, पर डाउट होता है मुझे, हम शुरू से ऐसे नहीं थे। जिस तरह से मीडिया घरानों को डराया गया या उसके भीतर के पत्रकारों को डराया गया, उसी तरह से वो भीड़ समाज के लोगों के घरों के बाहर भी खड़ी थी, वो आपको भी डरा रही थी, और उस डर का स्केल इतना बड़ा था कि आप सब ने अपने अपने यकीन और रीज़न को सस्पेंड किया, स्थगित कर दिया, और मान लिया कि कोई तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चल रही है जिसकी वजह से हम परेशान हैं, और मुसलमानों को धार्मिक अल्पसंख्यक के बजाय मुसलमानों को विलन बनाया गया। मुसलमानों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो समाज के भीतर एंटी प्रो सिस्टम इस कदर लोगों को तैयार किया गया कि वो भी अपने घर से नहीं निकले, वो भी डर गए। अब जब मैं कर रहा हूँ, मेरे अनुभव कुछ बदले हैं लोगों के, तो वो अनुभव मुझे बताते हैं कि ये पहले से ऐसे नहीं थे। हाँ, इनको कभी भी इस हिंसा की तरफ मोड़ने की संभावना, अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, संगठन है, तो आराम से कर सकते हैं। मुझे अब लगता है कि हिंदुस्तान की जनता पहले से ऐसी नहीं थी और आज भी नहीं है, पर वो एक विकल्प की दुनिया में जाकर जब जाती है तो उसे जवाब नहीं मिलता कि राजनीतिक विकल्प क्या है। दूसरा, उसे भी भयभीत किया गया है। बहुत सारे लोग जो बोल सकते थे वो पीछे हट गए, और हटते हटते उस डर को उन्होंने भी ओढ़ लिया लंच बॉक्स के साथ साथ, उन्होंने भी वही लंच किया फियर का, और वो डर गए, और डरने के कारण उन्होंने बोला नहीं, उसका प्रतिकार नहीं किया। जब मैं SSC का एग्जामिनेशन का नौकरी सीरीज कर रहा हूँ, तो जब लोग मुझे ललकारता है कि तुम बड़े शेर हो, ये भी उठा के दिखा दो, तो ज़्यादातर उसमें बहुसंख्यक समाज के लोग होते हैं। लेकिन जब लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, तो तारीफ करने वाले में ज़्यादातर अल्पसंख्यक समाज के लोग होते हैं। तो आज ही मैं शिबा से कह रहा था कि कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, और मुमकिन हो तो उन्हीं के बीच जाकर कहूँगा कि अपनी नागरिकता को इतनी आसानी से मत छोड़िए। हर बार अपने आप को संख्या से मत तौलिए। आप अकेले हैं, तब भी आप पे ये फ़र्ज है कि आप इसका प्रतिकार करेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। तो वो डरा दिया गया, और आप पब्लिक स्पेस से देखिए कि किस तरह से अल्पसंख्यक लोग हटे, और फटीचर किस्म के मौलानाओं को डरा धमका कर वहाँ पर बिठाया गया TV डिबेट के पास, और जो अपनी बातों से सहमत ना होते हुए भी उसी डर के प्रोजेक्ट के तहत TV में वो बैठे थे, और उन्हें 3-4 साल तक हुजूर की खिदमत की और समाज को दो तरफ से बांटने का काम किया। और जिस TV को अभी तक अन्ना आंदोलन के समय तक 2014 के साल तक जनता अथाह आस्था से देख रही थी, अपूर्वानंद जी, आप और हम कैसे ये मान लें कि वही दर्शक एक झटके में उसे सवाल और शक के साथ देखने लगे। जिस TV ने एक भ्रष्टाचार के माहौल को या एक राजनीतिक जड़ता शिथिलता के माहौल से लोगों को निकाला था सड़कों पे, जो तिरंगा लेकर आए थे और उनका विश्वास इतना गहरा बना था उस TV में, उससे वो तुरंत उसको क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं थे। तो इसलिए उनको लगा कि ये जो TV बता रहा है ये सही बता रहा है, ये जो कैराना को लेकर अफवाह फैला रहा है, मेरठ में किसी धर्म परिवर्तन को लेकर अफवाह फैला रहा है, वो सही बतला रहा है, और लोग उसकी चपेट में जाते चले गए। आपको याद होगा कि मैंने जब ब्लैक स्क्रीन किया था तो उसमें एक लाइन था, TV को TB हो गया है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, अब मैं नहीं कहता कि उन्होंने मुझे ही प्लेजराइज किया, पर नेहरू को तो कर ही सकते थे वो, तो प्रथम सेवक को प्रधान सेवक बदला, तो उन्होंने अभी एक बयान दिया, TV ठीक नहीं हो सकता है, TV ठीक हो जाएगा। सौ साल हुकूमत कर लेने से
सत्य कहाँ बदल जाता है? नहीं बदलता है ना। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं टीवी नहीं बदलेगा, सब कुछ तो आप ही के हाथ में है, तो आप सच बोल दे रहे हो। आपको पता है टीवी क्यों नहीं बदलेगा, तो आप टीवी और टीवी का राइम बना रहे हैं, तो राइम बना लीजिए, अच्छा लगता है, नर्सरी में चलता है, क्योंकि अभी भी हम लोग डेमोक्रेसी के नर्सरी में हैं। हमने ठीक से अपने आप को प्रैक्टिस नहीं किया, पिछले 70 सालों में हमें डेमोक्रेटिक होना नहीं सिखाया गया, क्योंकि हमारी ऐसी ऐतिहासिक मजबूरियाँ थीं कि हम अपने डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को, जो पीछे बहुत छूटे हुए जो समाज थे उनके आगे आने की प्रक्रिया से एक्सप्रेस कर रहे थे, वो ठीक था, सिंबॉलिकली ठीक था, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेटिक होने की तैयारी नहीं की हमने, वो बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे लगता है। और यही वजह थी कि हम, मुझे लगता है कि हम नर्सरी में हैं, कोई भी नेता बहुत आसानी से पटना घटना राइम मिला के राज कर सकता है हमारे ऊपर और हमें किसी और दिशा में मोड़ सकता है। लेकिन इस राइमिंग को ही लेकर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी पत्रकारिता की भाषा को देखें तो वह भाषा पिछले 15 वर्षों में बदल रही है और उसके साथ आप एक नई राजनीति का भी उदय देख सकते हैं, जो राजनीति स्पीड स्केल जैसी तुकबंदियां कर रही हैं। आपने राइमिंग के बात की, तुकबंदी की बात की, या अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, अब इस पर अवमानना होगी कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनको इस बात का बहुत शौक है कि रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, वो पहले से करते रहे और कई बार अच्छा भी करते हैं। तो यह जो पूरा तुकबंदी या राइमिंग की जो पूरी इच्छा है और भाषा का ऐसा इस्तेमाल है, इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के आने के बाद पहला काम इसने नीति इसने किया योजना आयोग को भंग करने का। तो योजना आयोग अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन है, योजना का आयोग, योजना बनाने वाला आयोग, कमीशन जो प्लानिंग का काम करता है, लेकिन उसके बाद उसका नाम बदल कर किया गया नीति आयोग, लेकिन नीति फिर उसी भाषाई इच्छा का नतीजा था, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो जब इंस्टीट्यूट वहाँ आ गया तो फिर आयोग बाद में क्या कर रहा है? लेकिन भाषा का ये जो घटिया इस्तेमाल है, और इस घटिया इस्तेमाल पर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में मैंने कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा कि भाई भारत की इतनी बड़ी संस्था का ऐसा बेतुका नाम आप कैसे रख सकते हैं? नीति अपने आप में नाम हो गया, लेकिन आपने नीति के बाद आयोग क्यों लगाया और इस पर किसी ने प्रश्न क्यों नहीं किया? लेकिन उसके बाद जब मैंने ये देखा कि भारत के सारे विश्वविद्यालयों ने, भारत के सारे अखबारों ने और भारत के सारे संपादकों ने विकलांग की जगह दिव्यांग लिखना शुरू कर दिया, तब मुझे समझ में आ गया कि हम दरअसल इसी के लायक थे, क्योंकि दिव्यांग लिखने से ज़्यादा धोखेबाजी और कुछ हो नहीं सकती है। तो यह जो भाषा का इस्तेमाल है, जो टेलीविज़न की पत्रकारिता में भी हो रहा था लेकिन बाकी जगह भी, और यह पार्टी इस तरह का इस्तेमाल करने में माहिर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी तो शुरू में बहुत लोग, देखिए हमारे बुद्धिजीवियों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा, और बताते हैं कि वो पहले से करते चले आ रहे हैं, पर वो खैर वो पहले की बात की है, हम जिस समय को देख रहे हैं उसी के साक्षी हैं। उन लोगों ने भी तारीफ़ की श्रृंखला शुरू हुई कि बड़े लैंग्वेज में स्मार्ट हैं, नए नए क्वाइन करते हैं, ये देखिए राज आ गया है, और उन्होंने नहीं, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि उस प्रशंसा काल के दौरान कि इस तरह के बहुत सारे स्मार्ट स्किल मुद्रा APY ये सब बहुत तरह के राइम गढ़े गए, और उनका अब पता नहीं है, अब वो स्मार्ट सिटी का नाम नहीं लेते हैं, अब वो स्किल इंडिया का नाम नहीं लेते हैं, मंत्री भी बना था कोई स्किल इंडिया का, उसको हटा दिया उन्होंने, इन सब का वो नाम नहीं लेते हैं। तो ये भाषा के स्तर पर खेल हो रहा था, पर सिर्फ बुद्धिजीवियों की चुप्पी नहीं, जो चुप्पी समाज में फैली उससे मैं डिस्टर्ब हो गया कि जनादेश मिला था उनको नई व्यवस्था बनाने के लिए, हाँ वो नया नया स्लोगन बनाने लगे व्यवस्था की जगह। चलिए ठीक है, अगर आप नई व्यवस्था को नई स्लोगन से, नए स्लोगन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो स्वागत योग्य है,
लेकिन उन नए स्लोगन के पीछे तो व्यवस्था दिखाई नहीं देती, ना नई ना पुरानी, पुरानी वाली तो गायब हो चुकी है और नई भी व्यवस्था नहीं है। तो हम सब उसको स्वीकार करते चले गए क्योंकि हम 4 साल से भय के लोकतंत्र में हैं। इसे आप कहीं के मैंडेट से, कहीं के चुनाव हो जाने से आप नहीं इक्वेट कर सकते, नहीं इसको, ना ही इसको आप निगेट कर सकते हैं। आज भी बोलना खतरे का काम है। अगर नहीं भी है तो जिस तरह से समाज से निकल के लोग आकर मना करते हैं कि बहुत हो गया, नहीं बोलना चाहिए, मैं कहता हूं कि इसी को दर्ज कराने के लिए बोलना चाहिए। लोगों, मैं जब कॉलेज में जाता हूं तो मैं कहता, अगर आप प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करते हैं तब भी आपका एक फ़र्ज लोकतंत्र के लिए भी है, तो तब भी आप उस प्यार के साथ साथ उनकी आलोचना भी लिखिए, देखिए आपके साथ क्या होता है। उन सब सिस्टम को गायब किया गया हमारी चेतना से, बोलने के साहस से और लिखने बोलने की प्रक्रिया से। लोग मिल नहीं रहे थे, तस्वीरें नहीं खिंचा रहे थे कि आपके साथ तस्वीर खिंचा लें आईटी सेल वाले वायरल कर देंगे। तो हम सब तरह तरह के नए नए भय हमें दिए गए, सामाजिक बदनामी के बहुत सारे टीवी चैनल तैयार हैं कि अगर आप कुछ बोलें तो आपको एक खलनायक और भारत विरोधी गद्दार के रूप में आपको तुरंत पेश करके घंटों चलाया जा सकता है, आपके नर्व पे हमला किया जा सकता है, टिक गए तो टिक गए वरना बाईपास की स्थिति सुविधा आ ही जाती है बहुतों की। तो ये डराया गया, लेकिन इस डर से आप कहें क्या मैं नहीं डरा, मैं भी डरा। उस भयावह माहौल को बहादुर कहा जाता, उस प्रक्रिया में लोगों ने देखा। जब मैं धीरे धीरे इंच इंच बोलना शुरू किया, मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, इतना नहीं ले सकता मैं इस डर को कि कहीं जा रहे हैं उनकी रैली में तो कोई कॉलर पकड़ ले रहा है, कोई घेर ले रहा है कि आप इनका विरोध क्यों करते हैं, और धक्का देते देते किनारे दीवार में सटा दे रहा है। इनका विरोध, ये खुद ही 10 लोगों का विरोध करते हैं तो इनका विरोध क्यों नहीं होगा? इनकी सुबह शाम तो विरोध करने से होती है। आपने कभी इनका विरोधी दल की तारीफ सुनी है इनके मुँह से? नहीं सुनी होगी। तो विरोध तो सामान्य प्रक्रिया है, और इस हद तक हम पहुंच गए हैं डर के लोकतंत्र में कि लोग अब प्रदर्शन करते हैं तो उसमें भी निष्ठा दिखाते हैं कि अवतार पुरुष हमारी तरफ देख लें तो हमारे दुखों का निदान कर देंगे। इससे लोकतंत्र का चरित्र बदल रहा है। लोकतंत्र में जब प्रदर्शन हो तो आप अपने आप को उसके खिलाफ खड़े करते हैं, तो सीधा सीधा आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने चाहिए। तो मैं भी बहुत डरा हुआ था। जब मैं भी घर से निकलता था तो वो डर का लंच बॉक्स मेरे साथ भी चलता था, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। धीरे धीरे मैंने भी बोलना शुरू किया। मैं नहीं कहता कि मैं बहादुर हूँ, आप इस किताब में मैंने लिखा है कि बचपन में, और हमारी पत्नी यहाँ पर, हमारी दोस्त हैं, उनको अच्छी तरह से पता है, 2 दोस्त हैं हमारे यहाँ पर, कि मैं कितना बहादुर हूँ, तो उन दोनों को पता है। लेकिन इन चीज मुझे भी हैरानी होती है कि मैं शाम के वक्त बेल के पेड़ से बिना दौड़े और बजरंगबली हनुमान चालीसा पढ़े तो निकल ही नहीं सकता था। हनुमान चालीसा पूरा पढ़ सकते हैं? पूरा अब नहीं पढ़ सकता, अब तो छोड़ दिया, अब हनुमान जी की ज़रूरत नहीं है। अब मुरारी बाबू ने कहा वो संगीत के आचार्य हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, संगीत के बहाने मैं उनको ज़रूर याद करना चाहूँगा, कि संगीत वीणा है उनके हाथ में, आप जाएंगे मुरारी बापू के आश्रम में तो वीणा लिए हुए हैं हनुमान जी, गदा नहीं है। तो वो भयभीत हुए हैं हम, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह नहीं भी गए हैं उस डर की वजह से, लेकिन बहुत जगह गए हैं उस डर को ओवरकम करने के लिए। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस में बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। जैसे कल ही मैंने लिखा, हे राजनीतिक पत्रकारों, तनिक 5-स्टार होटल की कथा भी तो कहो, कितने दिन की शांति थी उसके बारे में। तो इंच इंच देखिए, कहने की का जो संघर्ष है वो रोज़ का संघर्ष है। कुछ ना कहने की हार भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, और कहने की जीत का भी आपको स्वागत करना पड़ेगा। पूरी लड़ाई आप हमेशा नहीं जीत सकते, ना खुद से ना बाहर वालों से। तो इसीलिए मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि लोकतंत्र में अगर आप हैं तो आप रोज़ उसका अभ्यास करें, आप रोज़ किसी ना किसी पर सवाल करें, रोज़ किसी ना किसी, और जिसके पास अकूत सत्ता है, जिसे लगता है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, तो उसे सारा काम छोड़ के उसे चुनौती दें। ये इसलिए नहीं कि उसे ख़त्म कर दें आप, इसलिए कि इस प्रक्रिया में आप लोकतंत्र और उसमें अपने भरोसे को बनाए रखते हैं। तो मैं लिखता गया और देखता समझता गया, बहुत जगह जाते हुए, तो अंत में इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारा जो ग्रेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया था, उसके एक बड़े हिस्से में एक रोबो रिपब्लिक बन चुका है। ये जो रोबो रिपब्लिक है जिसकी आप बात कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा दिखलाई पड़ा है कि
लोग अपने आप को अलग अलग माध्यमों से जाहिर करते हैं, जैसे व्हाट्सएप और दूसरे माध्यमों से, और उसमें आप अक्सर चुटकुले शेयर करते हुए लोगों को देखते होंगे या अक्सर कार्टून शेयर करते हुए देखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि देखिए, जब इस तरह की एक सत्ता आती है तो लोग हास्य के ज़रिए विरोध करते हैं। लेकिन अभी हम 3-4 दिन पहले मिरांडा हाउस में थे, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2014 या 2015 में हमारी एक बार बातचीत हो रही थी, और आपने कहा था कि अब हास्य ही सहारा है। लेकिन वहाँ से 2018 में आप यहाँ पहुँचे हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं, हास्य और व्यंग्य की शरण लेकर असली विरोध करने के कार्य से बचिए मत। बिल्कुल, ये मैंने संशोधन किया, क्योंकि उस वक्त लोग सुन ही नहीं रहे थे। बोल तो रहे थे हम, मगर कोई सुन नहीं रहा था। मुझे लगा कि अगर वो भाषा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो उतनी ख़राब हिंदी तो हम भी पढ़ के आए हैं, तो ट्राई करते हैं। पर लेकिन सीरियसली, इसमें मैंने संशोधन किया, और ये बात सही है कि मैं आप पर भी दबाव डाल रहा था कि हम सबको अपनी भाषा को थोड़ा और हल्का बनाना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया है कि डेमोक्रेसी इज़ ए सीरियस बिजनेस। अगर आप इसे लतीफ़ा में बदलेंगे और इसे ज़रूरत से ज़्यादा लतीफ़े से एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सिटीजनरी को जोक में बदल रहे हैं। आप खुद ही उसके जोक का रिफ्लेक्शन बन रहे हैं। जो ट्रंप है और जो ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, वो दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं। तो अब मुझे शक होता है कि दो बड़ा मौका आया, एक जब उन्होंने पकौड़ा ग्रंथ लिखा, नोबेल मिलना चाहिए था, किसी ने दिया नहीं, तो रवि सिंह अगर ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में तो ज़रूर मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि पकौड़ा बेचना भी रोज़गार है। तो पकौड़ा बेचने का मामला आया, तो उस मामले में एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बेतहाशा है और बेरोज़गारी गुस्से का प्रतीक है, आप पुरानी फिल्में, अब तो जावेद अख्तर वैसी फिल्में नहीं लिखते हैं, अगर उनकी पुरानी फिल्में देखें तो बेरोज़गारी गुस्से का प्रतीक है। लेकिन हम सब ने, आपने भी हमने भी, उस पूरे गुस्से को जोक में बदल दिया, और जो बेरोज़गार थे जो सड़क पर उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी पकौड़ा तलने लगे और वो भी अपने आप को मजाक में बदलने लगे। इसका अनुपात इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे उन्होंने जितना मजाक नहीं किया था उससे ज़्यादा हम मजाक करने लगे एक दूसरे के साथ पकौड़ा को लेकर। तो जब भी इस तरह का नीरव मोदी का जब प्रसंग आया, उस प्रसंग में भी उस पूरे गुस्से को, जहां सिस्टम को लेकर सख्त सवाल होने चाहिए थे नागरिक के, नागरिक समाज अपनी किसी अज्ञात बोरियत से उबरने के लिए उसे लतीफ़ों में एक्सप्रेस करने लगा, तब मुझे लगा कि इसका कोई दबाव नहीं बन रहा है। सीधा सीधी बात है कि 2014 से पहले रामलीला मैदान में 1,00,000 लोग जमा हैं और झंडा लेकर नारे लगा रहे हैं गुस्से में, उसके असर की कल्पना कीजिए। और 2018 में रामलीला में 1,00,000 लोग जमा हैं और जोक शेयर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उसके असर की कल्पना कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि अखबार में एक कार्टूनिस्ट का होना तो ठीक है, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन अगर सब कार्टूनिस्ट बन जाएंगे तो अखबार जो है वो हुजूर का डोरमेट बन जाएगा, पायदान। लेकिन आप कह रहे हैं 2014 में लोग बहुत गुस्से में थे, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा जिनको 2011 की याद होगी रामलीला मैदान की, कि वहाँ उपवास का एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, और ये भारतवर्ष में पहली बार हुआ। इसी दिल्ली में 13 जनवरी 1948 से 17 जनवरी 1948 तक 78 साल के एक बूढ़े ने उपवास किया और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। उसी दिल्ली में रामलीला मैदान में स्टेज लगाकर उपवास का एक बहुत बड़ा उत्सव किया गया, और उस उपवास को कंज्यूम करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी उस स्टेज के चारों तरफ तिरंगा लगाकर घूम रही थी, और उस उपवास को जारी रखने के लिए नौजवान आंदोलनकारियों का एक दल था जो कह रहा था कि यह उपवास जनतंत्र के लिए चलते रहना चाहिए। तो यह जो प्रोटेस्ट को कंज्यूम करने की और एक आनंददायी प्रोटेस्ट बनाने की, पहली बार मुझे लगा कि ये बहुत अश्लील है जो कुछ रामलीला मैदान में हो रहा है, कि आप
उपवास का उत्सव कर रहे हैं। एक व्यक्ति मालूम नहीं कि वो क्या कर रहा था, क्योंकि लालू यादव ने संसद में सिर्फ ये पूछ दिया, जिसके चलते लोग बहुत नाराज़ हुए। लालू यादव ने कहा कि भाई इतना बूढ़ा आदमी इतने दिन उपवास करके टनाटन दौड़ रहा है, तो हमें पूछना चाहिए कि किस चक्के का आटा खाता है। इस पर लोग बहुत नाराज़ हो गए उनसे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह कौन सी जनता थी जो चाहती थी कि उसके लिए उपवास जारी रहे। और वह जो तिरंगा यात्रा 2018 में हम देख रहे हैं, उसकी शुरुआत क्या 2011 में दैत्याकार तिरंगा झंडों से नहीं हुई थी? उसी से हुई थी। उसके दो अब पीछे हट के उसकी समीक्षा हम लोग भी उसे संभावनाओं से देखते थे, पर अब मुझे लगता है कि मास मीडिया का जिस तरह से एक्सपोज़र हुआ था और उसके लिए एक कंज्यूम करने के लिए एक आंदोलन वहाँ पर आया, हम उसे समझने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही हमारी वैसी क्षमता थी। तो एक इवेंट आता है हमारी डेमोक्रेसी में, पहले भी डेमोक्रेसी में इवेंट आए हैं, पर इस स्केल का इवेंट नहीं आया। दूसरा, वो आंदोलन फेक तो था, मतलब अगर आप कितनी दिशाओं में वो टूट के भटक गया, इस लिहाज से आप उसे कह सकते हैं कि वो फेक भी था, मगर आप वो बताता है उपवास कि गांधी होने की इच्छा अभी भी इस हिंदुस्तान में है। गोडसे के मंदिर आप बना लीजिए कि गांधी के होने जैसा और गांधी के आंदोलन में शामिल होने की इच्छा वो 2018 में भी है, और किसी न किसी साल में आप उस स्केल में देखेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी 1947 के पहले थे या 2018 के बाद आए। तो हम उस इच्छा जो हमारे भीतर है उस गांधी के संघर्ष की, हमारे पास वही एक आदर्श है, उसका एक फेक वर्जन लॉन्च किया गया, फेक इवेंट के रूप में लॉन्च किया गया, और जिसके झांसे में हम सब आए और उसे संभावनाओं की नज़र से देखने लगे कि कहीं कुछ अगर नहीं हो रहा है। उस वक्त विपक्ष के रूप में बीजेपी की भी वही हालत थी जो आज हम कमोबेश कांग्रेस की स्थिति देखते हैं विपक्ष के रूप में। तो हमें लगा कि जनता अपना एक विकल्प बना रही है, पर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी के पास दूसरी तरह की चालाकियां होती हैं। वो इवेंट ले आए और वो इवेंट अभी भी है। देखिए गुजरात के चुनाव में क्या हुआ, एक पानी में जहाज उतरा, वो जहाज कहाँ उतर रहा है किसी को पता है? जा चुका है वो। तो वो क्या है वो प्रक्रिया कि नेता जो हैं लगातार आपके जनता होने की सेंसिबिलिटी पर अटैक कर रहा है। आप समझ नहीं रहे इस बात को। आप जो अपने आप को जनता समझते हैं, जनता का मतलब होता है विपक्ष, सत्ता नहीं। और जब जनता कहे कि हम सत्ता हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ऊपर से लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, लोक के भीतर तंत्र का जो स्टेन लगता है ना हार्ट के मरीज को, वही लगाया जा रहा है और वही लगा दिया गया। तो जो जनता थी उसकी सेंसिबिलिटी पर, संवेदनशीलता पर यह हमला है कि आप उसकी नाराजगी को टैकल करने के लिए या भटकाने के लिए पानी में एक जहाज उतार देते हैं और पूरा टीवी चैनल उस पर पागल हो जाता है। आप 5 दिनों के भीतर जोखिम उठाते हैं और एक तीव्र रफ्तार से नर्मदा का पानी मध्य प्रदेश से गुजरात पहुंचा देते हैं, और चुनाव खत्म होते होते आप कहते हैं क्या पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपने इवेंट रचा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर आप सही कहते हैं कि आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, आप किसी पार्टी का किसी नेता का इंतज़ार मत कीजिए, आप ही हैं और आप ही समय के साक्षी हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इस तरह के और इवेंट आने वाले हैं। 2018 से लेकर मई 19 के बीच इतना झूठ बोला जाएगा जितना भारत की पूरी सभ्यता की यात्रा में नहीं बोला गया होगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि झूठ बोलने के इतने तरीके आएंगे कि आप उसका पर्दाफाश करते करते हाफ के उसके आगे सरेंडर कर देंगे कि ये झूठ ही सत्य है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने राजनीति में झूठ को लेजिटिमाइज किया है। वो दुनिया के सबसे अमीर गरीब नेता हैं। वो जब अपने आप को गरीब कहलाते हैं तो करोड़ों की रैली होती है,
LED स्क्रीन लगाकर हेलीकॉप्टर से आकर गरीब की तरह लॉन्च करते हैं। उसमें गरीब का कुछ भी एलिमेंट नहीं होता सिवाय उनके दावे के। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लोकतांत्रिक अगर हम नहीं बनेंगे, ये व्यवस्था हम पे किसी ने तोहफे में दी है, और आप स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का इतिहास देखिए, 70-80% जो लोग भी इस आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे उनकी 3-3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गईं, क्योंकि वो 10-10 साल तक जेल में रहे, और वो पहले भी गरीब थे और जब आज़ाद भारत में निकले तो कई पीढ़ियों के लिए भी गरीब ही रहे। तो ये लोकतंत्र मिला है हमें, इस लोकतंत्र को इस हालत पे ना पहुंचाइए कि एक जज की मौत हो जाए और हम सवाल ना करें, इस हालत पे मत पहुंचाइए कि एक पार्टी 4 साल के कार्यकाल में कितने 100 करोड़ का, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्या पता डिफेमेशन हो जाए, वो भी तो एक बीमारी है ना, तो वो हो जाए, मुख्यालय बना ले और हम सवाल ना करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो मेरे डर की यात्रा को ज़्यादा आप समझेंगे। रविश, आपने यह कहा कि इस लोकतंत्र को डर के लोकतंत्र में बदल दिया गया, और अब आखिरी हमारे कुछ प्रश्न हैं। एक दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 5 वर्षों में, मैं 2014 की बात कर रहा था और मैंने कहा पहली बार हिंदुस्तान की मुसलमान आबादी को ऐसा लगा कि उसकी आशंकाओं उसकी इच्छाओं के बिना हिंदुस्तान के जनतंत्र का कारोबार चल सकता है। 2018 तक आते आते हमारी हालत ये हुई है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब लाचार होकर कह रही है कि हम क्या करें, हमें मुस्लिम परस्त पार्टी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया गया है, बदनाम कर दिया गया है, और हमें हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में बदनाम कर दिया गया है, इसलिए हमारा अब पहला कर्तव्य है अपनी इस छवि को ठीक करना, यानी यह दिखाना कि हम मुस्लिम परस्त नहीं हैं और हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। मेरी बात लंबी होगी लेकिन मैं सिर्फ एक प्रसंग का जिक्र करूंगा, और वह 1948 का प्रसंग है, फिर इसी दिल्ली का 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच का, उसी बूढ़े का जिसका नाम गांधी था। गांधी जब उपवास कर रहे हैं तो उन पर आरोप लगता है कि आप दरअसल मुस्लिम परस्त हैं और मुसलमानों की तरफ से ये उपवास कर रहे हैं, और गांधी उसका जवाब देते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यह उपवास मुसलमानों की तरफ से कर रहा हूँ और हिंदुओं और सिखों के खिलाफ कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कर रहा हूँ और हिंदुओं और सिखों की तरफ से कर रहा हूँ। तो यह हिम्मत जो उस पार्टी के नेता की थी, जो उस हिंसा के दौर में कह सकता था जब बाहर नारे लग रहे थे कि इस बूढ़े को मरने दो, तब वो कह सकता था कि हाँ मैं मुस्लिम परस्त हूँ, आज उसकी उत्तराधिकारी पार्टी ये कह रही है कि हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि हम हिंदुओं को ये बता सकें कि नहीं नहीं हम मुस्लिम परस्त नहीं हैं। तो क्या भारत की राजनीति पूरी तरह एक चक्र घूम नहीं गई है? मुझे लगता है कि हम जिस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं वो खुद अपने आप में बुजदिली का शिकार है, और वो अपनी बुजदिली से बाहर नहीं आ सकी है, अभी भी नहीं। विपक्ष के दलों को भी, चूँकि वो प्रतिनिधि हैं तो उनको, चूँकि वो मुख्य रूप से उनका चेहरा है, इन 4 सालों में जिस भय के कारण उन्होंने जो लोकतंत्र देखा, डर का माहौल टीवी के ज़रिए बनाया गया, अपने आप को पीछे खींच लिया और कभी भी इन सवालों का सीधे सीधे हमने सामना नहीं किया। बुद्धिजीवियों ने भी, पार्टी के भीतर की नेताओं ने भी, वो इसलिए अपूर्वानंद जी क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी लोकतांत्रिक होने का अभ्यास ख़त्म हो गया है, वो अपनी ही विरासत भूल गई, वो मुसलमानों को छोड़िए नेहरू पर जो हमला हुआ उसका बचाव नहीं कर सकी, वो भारत के इतिहास के सबसे बड़े नायक गांधी पटेल नेहरू, इन तीनों का बचाव नहीं कर सकी वो, तो वो नेहरू को भी काम कम जानती थी इसलिए उसका बचाव नहीं कर सकी। उसमें इतना हौसला नहीं था कि हार जाने की इस हद तक भी जाकर वो सही बात कही जा सके, उसके चुप रहने पर भी वो हारती ही रही, इसके बाद भी वो कहने का साहस नहीं जुटा सकी। इसलिए हमें वो प्रक्रिया याद रखनी चाहिए कि उनके भीतर भी ये बुजदिली छा गई थी जिससे अभी तक वो बाहर नहीं आए,
और उन्हें लगता है कि मुस्लिम परस्त होना, आप नीतियों में देख लीजिए, क्या आप नीतियों में नाइंसाफी कर रहे थे, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन एक समाज के एक हिस्से की लोकतांत्रिक आकांक्षा को प्रतिनिधित्व देना और उसको एक्सप्रेस करना कहीं से कोई कम्युनल बात नहीं है, कहीं से कोई कम्युनल बात नहीं है। ये लोग डर के मौका परस्त लोग, चूंकि उन पार्टियों में जिन्हें हम उम्मीद से देखते हैं, उन्होंने सेक्युलरिज्म को जीने मरने के सवाल से कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिज्म के सवाल को बना से जोड़ दिया था, और इसी वजह से कभी भी वो प्रिंसिपल के रूप में खड़े नहीं होते। जब वो आप सेक्युलरिज्म पे नहीं खड़े हो सकते थे, उसी संविधान में एक और शब्द था, है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, भाईचारा, उसी संविधान में लिखा हुआ है कि हम और आप किसी भी स्थिति में अपने भाईचारे को नहीं गंवाएंगे, और हम और आप लगातार गंवाते चले गए, और जो लोग चाहते थे कि हम गंवा दें, हम उन्हें छूट देते गए, और इतनी छूट दी है कि यूपी का एक छोटा सा रिजल्ट क्या आया है कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि मुसलमानों ने 70 साल तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, तुमने हिंदू होकर तुम 3 साल में ही इनका साथ छोड़ दिए। मतलब अगर कांग्रेस मुस्लिम परस्त है तो इनके यहाँ होने की क्या सिर्फ हिंदू शर्त है? काम धाम नौकरी रोजगार कुछ नहीं, कोई और सवाल? क्या हम राजनीति में सिर्फ हिंदू और मुसलमान होने के लिए जाएंगे? तो हम छोड़ते चले गए। तो हमारे विपक्ष ने इस लोकतंत्र को और डराया है, उसके भीतर समझौतों का अंबार जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि वो उसी से दबा हुआ है विपक्ष हमारा। तो ये दोनों तरफ से इसीलिए असंतुलन आया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी का इंतज़ार मत करो, सुबह उठो तो किसी ना किसी के खिलाफ बोलो, ब्रश करने से पहले बोलो और नाश्ता कर लो तो उनके खिलाफ ज़रूर बोलो जिनके बारे में कहा जाता है ये कभी नहीं हारेंगे। लोकतंत्र में हारना विनम्रता की पहली प्रक्रिया है, और जब आप अपने आप को हार के किसी भी डर से आज़ाद कर देते हैं, आप अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर समझने लगते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें हार के डर से आज़ाद ना होने दें, भले ही हम उन्हें जीत दें, सत्ता दें, मगर हार के डर से कभी उन्हें आज़ाद ना होने दें। नहीं तो नेता अपने नाम से सूट पहनकर आया था और आने से पहले आपको पता नहीं चला कि वो आपको अपनी रैलियों में अपना मुखौटा भी पहना गया था। तो बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है, हम निकल सकते हैं, हम इससे जूझ भी सकते हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी हैं और बहुत आराम से पार कर सकते हैं। पर इस संघर्ष में मैं यही चाहता हूं कि फिर से वो गलती ना करें जो 2013 के साल में जोश में तिरंगा लेकर हम कर रहे थे, बिना किसी विकल्प पर बेहतर तरीके से सोच समझकर विचार किए हुए। अगर ये ऐसा हुआ तो ये जो खतरे का जो दौर है ये बहुत लंबा चलेगा, और इतना लंबा चले ना चले मैं यही दुआ करता हूँ कि हम इस देश को ना पहचान पाएँ कि हमें किसी ने इस रूप में विरासत में दी थी और हमने इसका ये हाल कर दिया। बहुत शुक्रिया। ये पूरी लड़ाई जो हिंदुस्तान की है और जो एक तरह से अभी शुरू हुई है, हिंदुस्तान को वापस हासिल करने की लड़ाई, रवीश की यह किताब बहुत सारी और किताबों की तरह और बहुत सारी और कृतियों की तरह उस लड़ाई में काम आने वाली एक चीज़ है, और इस तरह से इस किताब को देखना चाहिए कि यह एक उपयोगी औजार है, हथियार मैं नहीं कहूँगा, औजार है। लेकिन यह जो पूरी लड़ाई है, यह दरअसल हिंदुस्तान में न सिर्फ हिंदुस्तान के वास्तविक चरित्र को वापस हासिल करने की है, बल्कि अपने चेहरों को भी वापस हासिल करने की है जिनके ऊपर एक मुखौटा डाल दिया गया है। हमें यह बताना है कि हम सब अलग अलग लोग हैं, हम सब की अलग अलग आवाज़ है, हमारी अलग अलग शख्सियत है, हमारा अलग अलग वजूद है, और हमें एक रंग में रंगा नहीं जा सकता और हमारे गले से एक ही नारा नहीं निकलवाया जा सकता।
तिरंगे का डर दिखा के भी नहीं। तो यह जो आज का जमावड़ा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और भी जमावड़े होंगे, हम और भी जनतांत्रिक क्षण पैदा करेंगे। यह किताब इस तरह का ही एक जनतांत्रिक लम्हा है, एक जमहूरी लम्हा है, और ऐसे लम्हे और पैदा होंगे। रवीश, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। रवीश सिंह, आपको बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप सब मेरे लिए नीचे बैठे, मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोग खड़े रहे, मैं शुक्रगुजार हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि पहली लड़ाई ये है कि आपस में एक दूसरे को जीत लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। गया से एक लड़के ने लिखा कि मुझे लेटर मिल गया है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा। तो मैंने उसे लिखा कि जब करते थे तो क्या करते थे। तो उसने एक दिन बाद जवाब दिया कि मैं बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन आपकी बात सुनकर मैंने 2 साल बाद जिन मुस्लिम दोस्तों के साथ बड़ा हुआ था उन्हें फ़ोन किया और उनके साथ अपनी नौकरी की खुशी की पार्टी मनाई है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से आप जिन लोगों को हार चुके हैं उन लोगों को फिर से जीतना शुरू कीजिए, बाकी हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे।